नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 19, जैकोबीज मेथड वीडियो नंबर 4, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल जेड इज इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। इस तरह के केसेस हम देखेंगे इसमें। एग्जांपल नंबर 6, P1, P2, P3, सीधा सीधा इक्वेशन लिख दे रहा है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, इक्वल टू जेड क्यूब X1, X2, X3। दैट इज P1 यानी कि डेल जेड अपॉन डेल X1, P2 डेल जेड अपॉन डेल X2 और P3 डेल जेड अपॉन डेल X3। 1/z इसके साथ, 1/z इसके साथ, 1/z इसके साथ इक्वल्स टू X1 X2 X3। चारपिट मेथड्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड मेथड्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस तरीके के लटके झटके वहां हमने देखा था। वी पुट dz अपॉन z इक्वल्स टू d कैपिटल z। विच गिव्स ऑन इंटीग्रेशन log z इक्वल टू कैपिटल z। नाउ देखो, हमने जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को केवल चेंज किया है z को, उसकी मैपिंग कैपिटल z पे कर दिया है। तो अब जो नया सिस्टम बनेगा उसमें कैपिटल z होगा और x1 x2 x3 यही होंगे। तो ये जो p1 p2 p3 है, अब वहां पे हम कैपिटल p1 p2 p3 इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। कैपिटल P1 जिसका मतलब है डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल X1। चेन रूल से इसको लिखिए आप, डी कैपिटल जेड अपॉन डी जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल X1। डी कैपिटल जेड अपॉन डी जेड, डी कैपिटल जेड अपॉन डी जेड बराबर होगा 1/z और डेल जेड अपॉन डेल X1। ये आ गया, देखो कैपिटल P2 डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल X2 डी कैपिटल जेड अपॉन डी जेड डेल जेड अपॉन डेल X2। कहां पर डेल लगाना है, कहां पर डी लगाना है, ये सब आपको हम बता चुके हैं चार फीट पढ़ते समय। डीजेड अपॉन डीजेड लिखा, इसका मतलब ये जो ऊपर वाला वेरिएबल है ना, केवल नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन है। ये देखो, ये जो 1/1 मैपिंग है कैपिटल जेड और स्मॉल जेड का, डेल लगने का मतलब जेड केवल X2 का फंक्शन नहीं है, ये X1 का भी फंक्शन है, X3 का भी फंक्शन है। इक्वल्स टू 1/z डेल जेड बाई डेल X2। सिमिलरली कैपिटल P3 डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल X3 इक्वल्स टू डी कैपिटल जेड अपॉन डी जेड डेल जेड बाई डेल X3 इक्वल्स टू 1/z डेल जेड अपॉन डेल X3। गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू कैपिटल P1 कैपिटल P2 कैपिटल P3, उसे F से डिनोट करें ऐसे, कैपिटल P1 P2 P3 माइनस X1 X2 X3 इक्वल्स टू 0 नंबर 1। अब यहां से शुरू होगा जैकोबी मेथड।
अभी तक था ट्रांसफॉर्मेशन, गिवन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने ऐसे रूप में जिस पर हम जैकोबी मेथड लगा सकते हैं। जैकोबीज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर डी कैपिटल पी वन अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स वन इक्वल्स टू डी एक्स वन अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल पी वन इक्वल्स टू डी कैपिटल पी टू अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स टू इक्वल्स टू डी एक्स टू अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल पी टू इक्वल्स टू डी पी थ्री अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स थ्री इक्वल्स टू डी एक्स थ्री अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल कैपिटल पी थ्री दैट इज डी कैपिटल पी वन अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू डी एक्स वन अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी वन पी टू पी थ्री इक्वल्स टू डी पी टू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स थ्री इक्वल्स टू डी एक्स टू अपॉन माइनस पी वन पी टू इक्वल्स टू डी पी थ्री अपॉन माइनस एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू डी एक्स थ्री अपॉन माइनस पी वन पी टू। नीचे सभी में माइनस है तो एक स्टेप बढ़ा दिया जाए माइनस बैलेंस करने वाला। हर तरह के एग्जाम्पल्स हमने बता दिए हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। इम्प्लाइज दैट डी कैपिटल पी वन अपॉन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू डी एक्स वन अपॉन कैपिटल पी टू पी थ्री इक्वल्स टू डी कैपिटल पी टू अपॉन एक्स थ्री एक्स वन इक्वल्स टू डी एक्स टू अपॉन पी वन पी टू। डी एक्स टू के नीचे कुछ गड़बड़ हो गया, डी एक्स टू के नीचे डेल अपॉन डेल पी टू है तो ये पी थ्री पी वन आएगा। डी एक्स टू के नीचे पी वन पी थ्री है इक्वल्स टू डी पी थ्री अपॉन एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू डी एक्स थ्री अपॉन पी वन पी टू। नंबर टू टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर्स टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर्स सॉरी फ्रैक्शंस डी पी वन अपॉन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू डी एक्स वन अपॉन पी टू पी थ्री। नीचे पी वन से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, इधर भी पी वन इधर भी पी वन ठीक। और अब P1, P2, P3 की जगह रख दीजिए X1, X2, X3, तो ये हो गया डी एक्स वन अपॉन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यहाँ पर लिख दीजिए बाई वन। अब X2, X3 बैलेंस कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट डी कैपिटल P1 अपॉन कैपिटल P1
इक्वल्स टू डी एक्स वन अपॉन एक्स वन, इंटीग्रेटिंग वी गेट लॉग पी वन इक्वल्स टू लॉग ए वन प्लस लॉग एक्स वन, इंप्लाइज दैट कैपिटल पी वन इक्वल टू ए वन एक्स वन, दैट इज कैपिटल एफ वन कैपिटल पी वन माइनस ए वन एक्स वन इक्वल्स टू जीरो, नंबरिंग कर दें थ्री। टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शंस इसी प्रकार से, टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शंस वन टू थ्री, डी पी टू अपॉन एक्स थ्री एक्स वन इक्वल्स टू डी एक्स टू अपॉन पी थ्री पी वन, पी टू से मल्टीप्लाई कर देने चाहिए, इधर पी टू इधर पी टू, और अब इधर हम पी वन पी टू पी थ्री की जगह एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री रख लें, इक्वल्स टू डी एक्स टू अपॉन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स थ्री एक्स वन बैलेंस हो गया। वी हैव डी कैपिटल पी टू अपॉन पी टू इक्वल्स टू डी एक्स टू अपॉन एक्स टू, इंटीग्रेटिंग वी गेट पी टू इक्वल्स टू ए टू एक्स टू, दैट इज कैपिटल एफ टू कैपिटल पी टू माइनस ए टू एक्स टू इक्वल्स टू जीरो, नंबर फोर। अब उस कंडीशन की जांच कर लें, एफ वन एफ टू बराबर जीरो, स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल एफ वन एफ टू विच इज सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री, डेल कैपिटल एफ वन अपॉन डेल एक्स वन, डेल कैपिटल एफ टू अपॉन डेल एक्स आर होगा, और यहाँ पी आर कैपिटल पी आर, माइनस डेल कैपिटल एफ वन अपॉन डेल पी आर डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स आर इक्वल्स टू, आर इक्वल टू वन रखें पहले, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स वन डेल एफ टू अपॉन डेल पी वन, माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल पी वन डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स वन, प्लस अब आर की जगह टू रखिए, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स टू डेल एफ टू अपॉन डेल कैपिटल पी टू, माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल कैपिटल पी टू डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स टू, प्लस अब आर की जगह थ्री रखिए, डेल कैपिटल एफ वन अपॉन डेल एक्स थ्री डेल कैपिटल एफ टू अपॉन डेल पी थ्री, माइनस डेल कैपिटल एफ वन अपॉन डेल पी थ्री डेल कैपिटल एफ टू अपॉन डेल एक्स थ्री, ये रहा इक्वल्स टू डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स वन, ये है डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स वन माइनस ए वन इंटू डेल एफ टू अपॉन डेल पी वन डेल एफ टू अपॉन डेल पी वन जीरो,
माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल पी वन वन डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स वन जीरो प्लस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स टू जीरो डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल पी टू वन माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल पी टू जीरो डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स टू माइनस ए टू प्लस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स थ्री जीरो डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल पी थ्री जीरो माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल पी थ्री जीरो डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स थ्री जीरो पी वन इक्वल्स टू ए वन एक्स वन एक ये इस पे पड़ा था नंबर थ्री तो ये भी जीरो 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 ऑल जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे थ्री और फोर को वन के साथ मिक्स करके पी थ्री निकालेंगे फ्रॉम वन थ्री एंड फोर फ्रॉम वन थ्री एंड फोर वन वन थर्ड कैपिटल पी वन पी टू पी थ्री इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कैपिटल पी वन माने ए वन एक्स वन इंटू कैपिटल पी टू ए टू एक्स थ्रू ए टू एक्स टू इंटू कैपिटल पी थ्री इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो गया इम्प्लाइज दैट ए वन ए टू कैपिटल पी थ्री इक्वल्स टू एक्स थ्री इम्प्लाइज दैट कैपिटल पी थ्री इक्वल्स टू एक्स थ्री अपॉन ए वन ए टू कैपिटल पी वन पी टू पी थ्री की वैल्यूज हमें मिल गई एक्स थ्री अपान ए वन ए टू बिल्कुल ठीक। तो अब हम फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल जब लिखेंगे तो उसमें जेड चेंज्ड होगा और पी वन पी टू पी थ्री भी चेंज्ड होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अनचेंज्ड होगा। नाउ D कैपिटल Z इक्वल टू कैपिटल P1 DX1 प्लस कैपिटल P2 DX2 प्लस कैपिटल P3 DX3 implies that। देखो याद करो तुम यही तो लिखे थे ना वी पुट DZ अपॉन Z इक्वल टू D कैपिटल Z तो D कैपिटल Z की जगह वही लिख दो DZ अपॉन Z इक्वल टू P1 A1 X1 डी एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डी एक्स टू प्लस पी थ्री एक्स थ्री अपॉन ए वन ए टू डी एक्स थ्री बस पहला पता इंटीग्रेट कर लो इंटीग्रेटिंग वी गेट लॉग जेड इक्वल्स टू ए वन एक्स वन स्क्वायर अपॉन टू सभी में अपॉन टू आएगा टू से मल्टीप्लाई कर लिए ए वन एक्स वन स्क्वायर प्लस ए टू एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर अपॉन ए वन ए टू और प्लस ए थ्री वेयर ए वन ए टू ए थ्री आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट से लिख दें यही रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल है। अगर जेड इन्वॉल्व होगा तो झंझटे इस तरीके से बढ़ जाएंगे एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें जेड इन्वॉल्व है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या दो है निर्देश है कि इसको जैकोबी मेथड से ही करो और यह क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर से ही उठाया हमने
किसी जमाने में ये एमएससी में था, जैकोबी मेथड, तो उसी समय के पेपर एंड सॉल्ट से है। एग्जाम्पल 7, इलस्ट्रेट जैकोबीज मेथड इन सॉल्विंग, इलस्ट्रेट जैकोबीज मेथड इन सॉल्विंग द इक्वेशन पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जेड। इसे चार्पिट मेथड से भी आप किए होंगे, स्टैंडर्ड मेथड से भी आप किए होंगे। तो आइए इसे देखा जाए। पहले z से हम डिवाइड कर दें तो हो जाएगा x बाई जेड इंटू पी स्क्वायर प्लस वाई बाई जेड इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इंप्लाइज दैट रूट एक्स अपॉन रूट जेड पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स और होल स्क्वायर कर दिया, प्लस रूट वाई अपॉन रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब वो जो सब्सटीट्यूशन की ट्रेनिंग आपको दी गई थी वही यहां पे अप्लाई करने जा रहा है। वी पुट डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू डी कैपिटल एक्स, डी वाई अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू डी कैपिटल वाई, डी जेड अपॉन रूट जेड इक्वल टू डी कैपिटल जेड ऑन इंटीग्रेशन दीज गिव ये एक्स टू दी पावर 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, इंटीग्रल करेंगे तो एक जोड़ेंगे तो एक्स टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2 माने टू रूट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, टू रूट वाई इक्वल टू कैपिटल वाई, टू रूट जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। नाउ अब देखो इस सिस्टम में हमने स्मॉल एक्स की मैपिंग कैपिटल एक्स पे कर दी, स्मॉल वाई की मैपिंग कैपिटल वाई पे कर दी, स्मॉल जेड की मैपिंग कैपिटल जेड पे कर दिया, सिस्टम पूरा चेंज हो गया। एक्स वाई जेड अभी जो इक्वेशन दिया है वो एक्स वाई जेड पी क्यू में है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल पी कैपिटल क्यू। तो पी और क्यू की वैल्यू देखें, कैपिटल पी हम क्या किसको रहे हैं, डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स को। अब चेन रूल से इसमें ट्रीटमेंट देखें, डी कैपिटल जेड अपॉन डी जेड और डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स लिखाएगा नहीं तो ये भी लिखाएगा डी जेड अपॉन डी कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल नो जेड जेड से कनेक्टेड है ना तो डी जेड अपॉन डी जेड तो लिखोगे ही, इसके बाद यहां पे लिखना था इसको ना, यही नहीं लिख रहा था तो दिक्कत हो गई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स अब फिर एक्स इधर आएगा तो डी एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स। ये चेन रूल देख लो भैया, ये ऐसे बैलेंस होगा ये ऐसे बैलेंस होगा दिस अपॉन दिस बचेगा, जेड का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल और डी से कंफ्यूज मत होइएगा, बस डेल और डी दोनों डेरिवेटिव को बताते हैं। डेल लगने का मतलब यह है कि ऊपर वाला केवल नीचे वाले का फंक्शन नहीं है, कैपिटल जेड कैपिटल एक्स का फंक्शन होने के साथ साथ कैपिटल वाई का भी फंक्शन है, डी लगने का मतलब कैपिटल जेड केवल जेड का फंक्शन है। ये देखो तो डी जेड अपॉन डी कैपिटल जेड अपॉन डी जेड यहां से निकाल लो, डी कैपिटल जेड अपॉन डी जेड
ये कितना आएगा, वन बाई रूट जेड। और ये क्या चीज़ है, ये है स्मॉल पी और डी एक्स अपान डी कैपिटल एक्स, यहाँ से ये आएगा रूट एक्स। तो रूट एक्स अपान रूट जेड पी, रूट एक्स अपान रूट जेड पी, इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल पी। एंड इसी प्रकार से कैपिटल क्यू हम लिख रहे हैं डेल कैपिटल जेड अपान डेल कैपिटल वाई को, जो कि चेन रूल से टूटेगा इस तरीके से, डी कैपिटल जेड अपान डी जेड इंटू डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी कैपिटल वाई। अगर ऐसा लिख लिए तो समझ लीजिए आपको ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है कहाँ डी लिखना है कहाँ डेल लिखना है। यहाँ इसको लिखने में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। इक्वल्स टू वन बाई रूट जेड इंटू स्मॉल क्यू इंटू रूट वाई। अब आप कहिए गिवन इक्वेशन, अभी हम नंबरिंग नहीं किए हैं, गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन। तो उसको मैं ऐसे लिख दें स्मॉल एफ कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब हो गया नंबर वन, अब यहाँ से शुरू हो गया जैकोबी मेथड। इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट समझिए, हर रंग ढंग के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, अब आप प्रैक्टिस कर ले जो भी बुक आपके पास हो। एमडी राय सिंघानिया की बुक ज़्यादा पढ़ी जाती है, वैसे बुक्स बहुत सारी हैं जो आपको मिल जाए इजीली, सब पढ़िए आप, बुक कोई ख़राब नहीं होती। एमडी राय सिंघानिया में क्वेश्चंस कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस के लिए ठीक बुक है। जैकोबीज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर, जैकोबीज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर डी कैपिटल पी अपॉन डेल एफ बाई डेल कैपिटल एक्स इक्वल्स टू डी कैपिटल एक्स अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल कैपिटल पी इक्वल्स टू डी कैपिटल क्यू अपॉन डेल एफ बाई डेल कैपिटल वाई इक्वल्स टू डी कैपिटल वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल क्यू। दैट इज डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो इक्वल्स टू डी कैपिटल एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी टू पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन जीरो इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस टू क्यू। इसे लिख दिया जाए नंबर टू। इसमें दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए इस नंबर टू से कोई एक सोल्यूशन हम प्राप्त करेंगे, उसको नंबर एक इक्वेशन वन के साथ मिक्स करके दूसरी वैल्यू निकाली जाएगी। तो पहला ले लो, टेकिंग फर्स्ट फ्रैक्शन, अब विथ एनी लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो लिख दो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस वी हैव डी पी इक्वल टू जीरो विच गिव्स ऑन इंटीग्रेशन which gives on integration p equals to a, that is capital F1 p minus a equal to 0 number 3 from 1 and 3
पी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन इम्प्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस ए स्क्वायर इम्प्लाइज दैट क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर दैट इज कैपिटल एफ टू क्यू माइनस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो नंबर फोर कंडीशन चेक कर लें स्मॉल ब्रैकेट एफ वन एफ टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू टू डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स आर डेल एफ टू अपॉन डेल पी आर माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल पी आर डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स आर इक्वल्स टू डेल एफ वन अपॉन डेल कैपिटल एक्स वन डेल एफ टू अपॉन डेल कैपिटल पी वन माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल कैपिटल पी वन डेल एफ टू अपॉन डेल कैपिटल एक्स वन प्लस डेल कैपिटल एफ वन अपॉन डेल कैपिटल एक्स टू डेल कैपिटल एफ टू अपॉन डेल पी टू माइनस डेल एफ टू अपॉन डेल पी टू डेल एफ वन सॉरी डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स टू अब ये इंडेक्स नोटेशन में है ना इसको इंडेक्स फ्री में करिए क्योंकि इधर हम इंडेक्स फ्री लेके चल रहे हैं दैट इज स्मॉल ब्रैकेट एफ वन एफ टू इक्वल्स टू डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स डेल एफ टू अपॉन डेल पी माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल पी डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ वन अपॉन डेल वाई डेल एफ टू अपॉन डेल क्यू माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल क्यू डेल एफ टू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स एफ वन कहाँ है ये जीरो डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल पी जीरो माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल पी वन डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स जीरो प्लस डेल एफ वन अपॉन डेल वाई जीरो डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल क्यू वन माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल क्यू जीरो डॉट डेल एफ टू अपॉन डेल वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो नाउ डी कैपिटल जेड इक्वल टू कैपिटल पी डी कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल क्यू डी कैपिटल वाई ये हो गया फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल देखो कुछ रिलेशंस हैं उसको देख लो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू डी कैपिटल एक्स लिया था हमने डी वाई अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू डी कैपिटल वाई लिया था और डी जेड अपॉन रूट जेड बराबर डी कैपिटल जेड लिया था तो आप सब यहाँ पेट करिए इम्प्लाइज दैट डी कैपिटल जेड डी जेड अपॉन रूट जेड इक्वल्स टू कैपिटल पी की वैल्यू कहाँ है ये ए डी कैपिटल एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस कैपिटल क्यू कहाँ है ये अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इंटू डी कैपिटल वाई डी वाई अपॉन रूट वाई ये बस इंटीग्रेट करना इंटीग्रेटिंग वी गेट तो समापन के समय कुछ बातें कर लें आपसे हमारे इस चैनल पे वीडियोस की संख्या हजारों में 1000 से ज़्यादा है 2000 से भी ज़्यादा है इसलिए बहुवचन प्लूरल में बोल रहे हैं हजारों में
ऐसे में प्रायः कमेंट बॉक्स में बच्चे पूछते रहते हैं कि इस पर वीडियो बना है कि नहीं, उस पर वीडियो बना है कि नहीं। इसका तरीका भैया, जो भी चीज़ आपको ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना, मान लीजिए आपको कुछ भी सेंट्रल कोनिकॉइड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, ये ढूंढना है सेंट्रल कोनिकॉइड्स, तो आप सेंट्रल कोनिकॉइड लिखिए, बगल में कोलन लगा के गणितपुर लिखिए और सर्च करिए, तो हमारे चैनल का वीडियो खुल जाएगा, प्लेलिस्ट खुल जाएगा। मान लीजिए आपको मोंगेज मेथड पढ़ना है, खोजना है, नहीं खोज पा रहे हैं, तो आप मोंगेज मेथड टाइप करिए और बगल में गणितपुर टाइप करिए और फिर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। समझ गया ना? टाइटल चैप्टर का नाम लिखिए, चाहे टाइटल जो आर्टिकल खोजना चाह रहा है वो लिखिए और गणितपुर जरूर लिखिए, तो फिर आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली वही वीडियो खुल जाएगा या उसके आसपास का वीडियो खुल जाएगा, उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि इस पर वीडियो बना हुआ है। ये जो सुविधा है बिल्कुल फ्री है, नो फीस एट एनी स्टेज, मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाएं, औरों को भी इस चैनल से कनेक्ट करें। चैनल सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए काम करने वाले का। इंटीग्रेटिंग वी गेट टू रूट जेड इक्वल टू टू ए रूट एक्स प्लस टू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई और प्लस टू टू बी लिख दें, बी खाली है ना, इसके बाद टू को उड़ा दीजिए, हो गया। इम्प्लाइज दैट रूट जेड इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। हियर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। थैंक यू वेरी मच।